हेलो इंटरनेट, आज हम लोग देखेंगे आरटीसी क्लॉक को कैसे चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑसिलोस्कोप। ये मेरा ऑसिलोस्कोप का प्रोब है और इसको मैं सेट करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा प्रोब जो है वो 1x पे रहता है, इसको हमें 10x पे करना है। हमें जो क्लॉक चेक करना है वो रहेगा पीसीएच के पास में। PCH के पास दो टाइप के क्लॉक रहते हैं, एक रहता है 25 MHz जो आफ्टर पावर ऑन पे बनता है, और एक रहता है जो ऑफ़ कंडीशन में, यानी कि हमारा एडाप्टर एंड बैटरी कुछ भी नहीं लगा रहेगा तो हमारा RTC बैटरी की हेल्प से ये जनरेट होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा क्रिस्टल है ये 4 टर्मिनल में आता है। इसमें यानी कि 4 पिनें रहती हैं, जिसमें से हमारा 2 ग्राउंड रहता है और हमारा 2 आउटपुट रहता है। तो उसमें से हमारा पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 4, ये जो हमारा है ये मेन पिन रहती है जहाँ पे क्लॉक जनरेट होता है, एंड पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 3 आर ग्राउंड्स। ये जो क्रिस्टल है ये ओल्ड जनरेशन में, यानी कि सेकंड थर्ड जनरेशन में ऐसा आता है। तो हमने प्रोब को सेट कर लिया था और हम लोग अभी DSO की सेटिंग करेंगे, DSO को सेट करेंगे और फिर हम लोग क्लॉक को चेक करेंगे। हमारा जो वोल्टेज है वो रखेंगे हम 20 mV पर डिवीज़न, एंड जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा 20 to 50 microseconds। कपलिंग मेथड DC रहेगा एंड ऑटो मोड पे मैं अभी ये चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं पिन नंबर 1। एज़ यू कैन सी, हमारा जो 32.768 kHz का जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट हो रहा है। मैं आपको अदर टर्मिनल पे भी चेक करा देता हूँ। इसके पिन नंबर 4 पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा जनरेट हो रहा है, एंड पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 3 हमारा ग्राउंड है, इसके लिए यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं होती। मैं आपको लेटेस्ट जनरेशन वाले जो मदरबोर्ड आते हैं मैं उसमें भी आप लोगों को चेक करा देता हूँ कि उसके क्रिस्टल को कैसा चेक किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा लेटेस्ट जनरेशन का मदरबोर्ड है और आप फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं, ये 32.768। सेटिंग आपको सेम रखनी है, आप टाइमिंग एडजस्ट करके इसको देख सकते हैं प्रॉपर से। ये फ्रीक्वेंसी तभी बनेगी जब आपका RTC वोल्टेज एकदम प्रॉपर हो, यानी कि 3.3 वोल्ट हो एंड आफ्टर डायोड ये एटलीस्ट 2.8 वोल्ट हो, तो ही ये फ्रीक्वेंसी बनेगी। अगर उससे कम वोल्टेज होता है तो शायद से प्रॉब्लम आएगा और शायद हो सकता है कि आपका लैपटॉप ऑन भी ना हो। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।